गडावादन पाए सोतन से छुटकारा, दो मिनट में कतल मंचा है प्यार, नाश कर क्या नाश, इन्हें नाश कर क्या है, तंत्र मंत्र काला जादू फलाना जादू दकड़ा जादू, आसमान बांधू पताल बांधू, पितृ दोष फलाना दोष वास्तु दोष दकड़ा दोष गड़बड़। तो फिलहाल फतेहाबाद में लाइव हूँ, हामिद की मैंने ड्यूटी लाई दी ओड़े है, चलो चलो फिलहाल फिलहाल लाइव आप एक रेड मारांगे, एक पड़ताल करांगे, क्रॉस चेक करांगे, आगे बैठ जाए जल्दी आ जाऊ, चल 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 चलो फिलहाल वो तांत्रिक है अग भाई, ज्योतिष है, ज्योतिष विज्ञान के है, तंत्र मंत्र के है, काला जादू के है, फिलहाल खोल दे खोल दे, खड़े हैं ये ये बैठे खड़े हैं, ये बैठे हैं, हाँ जी शास्त्री जी, बुरा हाल है जी महाराज जी, बात सुनो, मेरे तरफ फोन आया था किसी भाई का, नो बोले भाई साहब गडावादन पाए सोतन से छुटकारा, दो मिनट में कतल मंचा प्यार, यह है गंगड़ लोहा लंगड़ मार्केट में खूब चल रहा है, नाश कर रखा जमा, तो बोले एक बार इस संदीप शास्त्री की एक बार पड़ताल कर लो भाई साहब, यू मामला है कि यू कौन सा जादू लिख रखा है, ये तो भाई साहब ग्रह के उपाय, इसमें कौन सा तांत्रिक जादू है, देखो आप नहीं ये होम्योपैथी की दवाई है, ये मशीन है वास्तु ज्योतिष की, ये मशीन कौन सी मशीन, ये रहा ये मंगलिक दोष है, नहीं ये मशीन खड़े तो डब्बी होम्योपैथी मशीन में लगती है, या मशीन, हाँ बिल्कुल, या क्या मशीन है जी, ये रही वास्तु ज्योतिष की मशीन है, ये इसके अंदर लगते हैं, आपको किसने कह दिया तांत्रिक का, ये सेवन चक्रांच का सैंपल लगाया है, अच्छा जी हाँ, नहीं यह मशीन क्या कर लेगी, इसमें क्यों करके विज्ञान है, या टेक्नोलॉजी है कोई, ये टेक्नोलॉजी है, ये बताएगी भाई अपनी कुंडली का कौन सा ग्रह खराब है, कोई काल सर्प दोष है, मंगलिक दोष है, पितर दोष है, कौन सा ग्रह खराब है, सेवन चक्र ब्लॉक है, किसने कह दिया आपको तांत्रिक ग्रह का, तो मैंने सुना शास्त्र जी, मेहनत करो ग्रह क्या कर लेंगे, वो भाई साहब अलग अलग चीजें होती है आजकल दुनिया तो के अंदर, आप एक बार लाइव डेमो कर लिया, पड़ताल कर लिया, या मशीन बताओगी, बिल्कुल बताइए, या कि इसका कुकर वर्किंग एक बार नो कर रहा है, अमित कैमरा पकड़ तुम, वो इतना बिठाऊंगा पकड़ भाई, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ, आ जा भाई, मामना अपने कैमरा मैन मोहित को आगे ले लिया है, और आ जा रे बैठ, इसका बताओ जी कौन कौन से दोष है, ये दर्दी है भाई, देखो ये मशीन है इनके हाथ में, शास्त्री जी के हाथ में, क्या नाम है जिस मशीन का, इसको ओरा स्कैनर बोलते हैं, ओरा स्कैनर, हाँ अब देखना ये लाल पीला हरा ये डालूंगा, मशीन राइट जानी चाहिए मेरे, अच्छा राइट का मतलब है भाई ये इधर घूमनी चाहिए, कौन सा दोष है, ये रूट चक्कर है, रूट, अच्छा चक्रवात, लाल पीला हरा इधर घूमनी चाहिए, बल्यू में इधर लेफ्ट जानी, अच्छा ये उड़ान घूम के लाल पीला हरा तो ठीक है, उल्टे घूम गए तो गलत है, अच्छा अच्छा, जैसे इस तरह इनके रूट चक्कर का लगाया, ये रूट चक्कर इनका ओके है, कोई गलत नहीं है, अच्छा कौन सा, ये कौन सा नाम है, रूट चक्कर, हिंदी में बता दो, इसको रूट चक्कर ही बोलते हैं, हाँ उसके बाद सेपरेल चक्र है जो नाभि चक्र बोलते हैं, ये खराब होता है, पेट में भारीपन कब्ज की शिकायत, नींद नहीं आना, ये ठीक है ना, कब्जी ना कब्जा नहीं है, अब जैसे ये पितर दोष का है, अगर कुंडली में पितर दोष होगा तो ये मशीन राइट जाएगी, नहीं लेफ्ट जाएगी, पितर दोष नहीं है इसका, नहीं है ना, अच्छा लिली तो नुन जाओगी लेफ्ट तो ठीक है, पितर दोष भी नहीं है, ये बोलो कौन सा दोष है, इसमें कोई सा होगा दोष, मैंने काल सर्प का, मैं निर्दोष है जी, अब काल सर्प का लगाया, ये काल सर्प दोष है, काला सांप ने डसर क्या, इसको पूछ लो काम धंधा ठीक चलता हो तो मैं गारंटी लेता हूँ, महीने एक ठीक चले, दो तीन महीने सिस्टम खराब हो जाए, फिर महीने एक ठीक रहो फिर खराब हो जाए, बोलो जी आपका होता है कि नहीं होता, मेरे को दिक्कत माना तो है ना, दिक्कत तो होनी होती है, फिर भी नहीं है, चिंता रहे, चिंता रहे, अच्छा इसका जैसे मैंने काल सर्प दोष बताया तो इसका निवारण होता है, जैसे कई बार हमने सूर्य को जैसे जल देना है, शनिवार को नेर में कोयला बहाना है, या कोई गाय को जो चराने हैं वो उपाय, अच्छा इसके नुँ बताओ शास्त्री, सारी बात छोड़ो, बोला चक्कर छोड़ो, त्रिशूल अपनाओ, इसके पीछे कितने लोग, कितने लोग, इसके कोई चार्जेज नहीं है, फ्री से, बिल्कुल फ्री एकदम, अच्छा हाँ, तो आपका मतलब सुनो फ्री में, यू जो आप चेकअप कर रही हो फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कोई भी आओ, कोई भी आओ चाहे पूरे इंडिया में कहीं से आए, और जो कोई दूर बैठा है शास्त्री, जैसे कोई दूसरे राज्य में बैठा है आ नहीं पाता तो वो व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हैं, शास्त्री जी मैं ब्याह के तो पूछ लियो जी, इसका वो मैरिज शादी, ब्याह कौन करा, यो शादी का है, मेरी जियो, एक मिनट सामने दिखाई, कैमरा पे दिखाओ, कैमरा पे दिखाओ, यू है भाई मशीन में डाल दिया, या कौन सी मशीन का नाम बताइए जी, ओरा स्कैनर, मेरी योग है ये, मेरी जो, अगर इनका शादी का योग होगा तो ये मशीन राइट चली जाएगी, ये बचाओ ताड़ी, ताड़ी बजाओ भाई, ताड़ी बजाओ, ताड़ी बजाओ, अरे ब्याह होगा, अरे इसका ब्याह होगा जी, बने रहेगा, टूट तो जाओ बीच में उसका,
आजकल बहुत रिश्ते टूटे जी, नो बताओ जी ये काला जादू वाले जो है उसका भी कुछ होगा अपने उधर? उस कालू जादू वाले से पेंडा छुटाने का तर तो ये मशीन ही ले रखी है। ये तंत्र वाले घर के करो जाट दिए ज्योतिष में काला जादू में तांत्रिक में क्या अंतर? ज्योतिष तो मतलब जगती जोत, आदमी ने ऊपर ले जावे जोत, और तांत्रिक हुआ वो आदमी ने मार दे, वो उसका भट्ठा बिठा दे, जिसके घर पे तंत्र क्रिया होती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। उदाहरण लिए जी, बिल्कुल अंधविश्वास तो करके घर जुड़े पड़े हैं भाई। रोज मेरे पास चार आते हैं, चार बंदे दिल्ली आते हैं जिनके तंत्र क्रिया, बिल्कुल उनको बढ़िया सलाह देता हूँ। भाई जितने भी दर्शक हैं सुनो, ये तो शास्त्री जी तो मैंने सवाल करने शुरू करे हैं, जलेबी भर के सीधर करेला भर के मीठे सवाल भी करूंगा जी। ये आपने यू बताया था इसके काल सर्प दोष, इनके ये ग्रह ठीक है, कौन सा ग्रह? चंद्रमा है। एक बार शास्त्री जी उसे पाओ। हाँ हाँ, वो दोष देखेंगे कौन सा हो रहा होगा। अब इनका मंगल ग्रह भी ठीक है। ठीक है, मंगल भी ठीक है। बुध, हाँ, मैं इनके ग्रह चेक करके बता रहा हूँ। हाँ, देखो भाई होम्योपैथी की डब्बी कौन है, मशीन है इनकी, शास्त्री जी की। अब ये बुध भी ठीक है, इनका भी ठीक है, मंगल भी ठीक है। अब इनके ओरा स्कैनर, हाँ लगभग सब ग्रह ठीक। तीन ग्रह इनके जो चेक करूंगा, काल सर्प दोष के अंदर राहु केतु की महादशा होती है, राहु केतु ग्रह खराब होता है, तो दो तो इनके है ही है। अच्छा। दो के साथ अभी मैं और भी चेक करूंगा इनके कितने ग्रह खराब मिलते हैं, वो मैं आपको। ये ठीक है, ये तो शुक्र है। अब मैं शनि लगाऊंगा। शनि देखांगे भाई, इसका शनि का क्या? शनि खराब है, बिल्कुल खराब, शनि बिगड़ गया। वैसे मान तो सोचा था जब तू सारा ठीक तरह के शनि बिगाड़ गया, शनि ने बिगाड़ दिया तेरा, तो शनि खराब है जी। इसका समाधान बताओ जी। राहु खराब, राहु भी खराब। हाँ, शनि का समाधान ये है, उपाय करने होते हैं। जैसे अब ये मैंने राहु भी खराब है इसका। अब हाँ, अब ये शनि खराब है इनका। अब आप देखना, मैं उपाय लगा, उपाय बताओ जी। मैं सुनो भाई दर्शकों, आप वैज्ञानिक तरीका था सारी चीजें। देखो तंत्र में ज्योतिष में बहुत अंतर है, ये उपाय बताने लग रहे हैं। लोहे का कटोरा लेकर भीख मांगे, कटोरा लेकर लोहे का कटोरा लेकर उसमें तेल भरकर, मैं लास्ट में अपील करूंगा जी, 11 सिक्के डाल के नाखून और मुंह देखना। राव का और बताओ जी। देखे अच्छे समाधान लिख दिया आपने। हाँ, सन्नी का। अब मैंने ये समाधान, देखो भाई शास्त्री जी ने ये पर्ची, या इसका क्या करोगे? ये पर्ची इसके अंदर रखूंगा, ये इन पे सूट। अच्छा पहले कर जाओ दीदी, वो दिखाऊंगा जी। पहले ये जब इस पे सन्नी दोस्त था तो मशीन को तोड़ जाओ जी, मशीन लेफ्ट जाओ जी। ये देखो, ये रखो भाई पहले। अच्छा यह मैंने पर्ची ठाली जी, दोबारा करो। यह पर्ची मैंने ठाली, देख भाई दिखा रहा है एक बार, पर्ची ठाली, ई वी आर राइट जाओगी। अच्छा ई मैंने आप एक बार करो जी, ई मैंने यह पर्ची दर्द दी, एक मिनट पर्ची मान लो इसका आड़े ला दीजिए, आड़े ई आड़े लगा दी तो भी ये देखो ये राइट। अच्छा ई भी इस पर्ची की जगह कोई प्लेन पर्ची दे रही हो जी, इसमें लिख रखा है शास्त्री जी ने कहा वैज्ञानिक तरीके से बात है सारी, बिल्कुल प्लेन पर्ची है, इसके अंदर लिखा यह लिखी हुई समाधान। और ई प्लेन पर्ची देखो बच्चों, कर दे या प्लेन पर्ची, ई प्लेन पर्ची दरांगे, ई के तोड़ जाओगा जी, ये उल्टा जाएगा, उल्टा जाओगा, कुछ नहीं, कुछ समाधान नहीं है। लो भाई यह प्लेन पर्ची मैंने फोल्ड करके और आड़े दर दी, एक मिनट मोहित मजबूती से बैठे, चलो। हाँ जी, ये देखो एक बार और चलो बिठा के देख लिया, बिठा के लैपटॉप की ये लैपटॉप ये है रखो, ये भी लैपटॉप। अच्छा जो मैंने ये उपाय वाली ये तुम्हारे हाथ से ही रखी। हाँ ये भी उपाय वाली उठाऊंगा भाई, दोबारा धरांगे। पहले मुट्ठी खोल लो जी, मुट्ठी में ले जा कुछ ले। हाँ ये भी आप यहाँ समाधान लिखी हुई हाथ के नीचे रख, ये अड़ सकती ई भी राइट आओगी। लो भाई ये शास्त्री जी ने कहा है भाई जो समाधान लिखा हो भी, और पीछे कौन ले रहे इसके में भी है जो इनको बताई है नहीं समस्या इनकी उसका। अच्छा जी और राहु का बताओ, राहु का। अब जैसे राहु का है, राहु लेफ्ट आना चाहिए राइट, लेफ्ट जाएगा, खराब है इनका राहु, ये देखो। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं इनका उपाय लिखूं। राहु खराब है मोहित का, इसका उपाय शास्त्री जी, तीन शनिवार सवा किलो
पर्ची वाला तो हो गया जी, और देखो कोई और नहीं, पर्ची वाला तो हो गया और देखो। हाँ एक चीज पूछनी है, जिसका राव खराब है जी, जो किसी गल्ला रहने वाले उसके भी राव खराब हो जाएगा, ठीक रहेगा। हाँ जी शास्त्री जी, जो इसके गल्ले रहो उनका भी हिसाब किताब बिगड़ देगा। जो इनके साथ कोई बिजनेस करेगा पार्टनरशिप में, उनका बिजनेस पे इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तू बिजनेस ना करिए, चल किसी के लिए। जैसे मैंने ये पुखराज है, दिखा भाई दिखाओ, ये भी राहु का सोल्यूशन है, ये राहु का, ये पुखराज है शास्त्री जी का हाथ में भाई, ये मैंने डाल दिया। ईव को तोड़ जाओगा जी, ईव राइट आ जाएगा, ये ठीक हो गए। अच्छा ईव यू, अच्छा ईव पुखराज मैंने दो, एक मिनट करो ना, पर्ची उठा भाई, पर्ची थी लो भाई, ये पुखराज है शास्त्री जी ने दिया। ए मने पुखराज पहले कट जाओ था जी, लेफ्ट और ईव नु को है पुखराज, रखते इसका समाधान हो जाएगा, राइट जाओ भाई। ये लाइव देख रहे हो आप, लाइव है इस टाइम, ये टेक्नोलॉजी है, कोई अंधविश्वास नहीं। शास्त्री जी को है फिर जो हम समाधान बतावा, वो जोड़न का बसान का उजाड़न का नहीं। अब जैसे ये पुखराज निकाल दिया, हाँ पुखराज निकालते ही पुखराज यहाँ रख दिया, राहु दोबारा खराब, फिर राहु खराब हो गया भाई। किसने करूं भाई, इसमें तो ये ज्योतिष है, समाधान है, इसमें कोई तंत्र क्रिया नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। अरे भाई सुनो, ये काला जादू, काला बंगाली, और ये कौन से खान बंगाली, बाबा बंगाली, गड़ा वादन पाए सोतन से छुटकारा, 2 मिनट में कतल मंचा प्यारी, इन तब बच लो, घरों चाड़ दिए ना। अरे भाई ये मशीन के साथ शास्त्री जी, हालांकि मेरे को किसी ने कहा था जी, बोले आप एक बार जाकर देखो, काला जादू कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, के है राहु नामक, के राहु नामक वो नहीं है, वो निग्रहण नहीं है, वो के लग रहा है, राहु का दोष नहीं, राहु नाम का दोष नहीं। राहु का दोष काल सर्प के अंदर होता है, जिससे राहु और केतु की महादशा होती है, उसमें काल सर्प बोलते हैं जी जी। राहु तो, नाम का कोई ग्रह नहीं है जी, राहु और केतु ग्रह होता है, कौन कहता नहीं होता, जिसने लिखा है उसको खुद को नॉलेज नहीं है। ये 9 ग्रह होते हैं इस सृष्टि के अंदर जी जी। कभी भी आप कोई ज्योतिष की किताब पढ़ लेना, उसके अंदर 9 ग्रह होते हैं, सूर्य होता है, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर, 12 घर होते हैं। जब कुंडली के अंदर राहु और केतु होते हैं, जैसे एक साइड में लग गए उन्हें, जैसे ये कुंडली हो गई, मान लो ये दिखाओ, दिखाओ भाई, जैसे ये जन्म कुंडली हो गई, ठीक है, अननोन कॉलर, एक बार उसको म्यूट कर लीजिए। अब जैसे मान लो यहाँ केतु हो गया, यहाँ राहु हो गया, ठीक है, अच्छा यहाँ चंद्र हो गया, शुक्र हो गया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या शास्त्री? मेरी बी ए जी और डिप्लोमा किया हुआ है। अब जो ये ग्रह है राहु और केतु आगे अड़ गए, ये तीनों ग्रह को काम नहीं करने देगा, ये तरक्की नहीं करने देता, जो इन खानों के काम होते वो नहीं करने देता, तो उसको काल सर्प दोष बोला जाता है। तो ज्योतिष कब किया आपने कोई? हाँ ज्योतिष का डिप्लोमा भी किया हुआ है मैंने, इसकी ट्रेनिंग वगैरह, इसकी ट्रेनिंग भी ली हुई है 6 महीने की मैंने। चलो फिलहाल जिस भाई ने मेरे को कहा था, मैंने क्रॉस चेक जरूर करना था, लेकिन हमने कहा था हम रजाई का उछाड़ तो उतारेंगे, ताकि मेरा पटेल उकड़ करते बैठ रहे। शास्त्री जी का कहना है, दावा है भैया, कि विज्ञान है या मशीन है, जो आपके अंदर जो दोष है उसको बताओगी मशीन, लेफ्ट राइट का खेल है यूं, इसके गिल्ले गिल्ले समाधान ये बतावा शास्त्री जी। शास्त्री जी तो को दूर बैठे है, और पान का तो टाइम नहीं, मैं को और भी तरीका उसका कोई। जो कोई अदर स्टेट में बैठा है, जैसे ज्यादा दूर है, मान लो कोई अरुणाचल है, असम में है, या कोई कश्मीर में है, तो वो आदमी अपना फोटो भेज के चेक करवा सकता है। जो नजदीक का है तो कैसे चेक करोगे? फोटो के ऊपर हम ये जैसे ये होते हैं, हाँ, ये हम रखते हैं, ये रखने के बाद फोटो पे भी आदमी की एनर्जी होती है, इसके अंदर मैग्नेट सिस्टम होता है, तो उसकी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी कैप्चर करता है, उसे 70% पता लग जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब उसका औसतन पता चल जाए, मैक्सिमम औसतन इसके अंदर कौन सा वो है, 70% तक। चलो ये मशीन एक बार देख लो दोबारा जी, अब जो मशीन देख लो भाई, सोतन तंत्र क्रिया, हाँ। वो चीजें उनका तो मैं खुद दुश्मन हूँ करमू भाई, अगर मेरे को कोई यहाँ आके कह दे कि मेरे को तंत्र क्रिया करवानी है, तो उसको मैं खुद बाहर निकाल देता हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और वैसे ज्योतिष तो जोड़न का ही मतलब होगा, ज्योतिष तो जोड़न का मतलब होता है, ज्योति ज्योति का मतलब होता है जगती ज्योत, तो हम तो किसी के घर में खुशी दे सकते हैं, ना कि हम किसी घर की खुशी छीनते हैं। और इस दुनिया में हर प्रकार का आदमी है, हर प्रकार के कमेंट करते हैं, हर प्रकार के बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन उस चीजों पे परवाह ना करके हम ये फ्री सेवा करते हैं। इसके साथ मेरा गाड़ियां खरीद बेच का काम है, उससे मेरा गुजारा चल जाता है। अच्छा, गाड़ियों से परचेज, हाँ,
कमेंट आए हैं आपका फोन नंबर और एड्रेस मैं जरूर आने मुझे तू जो कैमरा संभाल तू आड़े जमा मल के बैठ गया मेरा टेंशन हो रही है जी पर टेंशन मेरी अपील तो करवा दो आ जा पर तू आ जा आ जा जी आपका एक बार एड्रेस कमेंट आया एड्रेस और यहाँ का आपका मेरा एड्रेस है बिश्नोई मंदिर सिरसा रोड फतेहाबाद यहाँ मेरा ऑफिस है और मैं 11 से 5 मिलता हूँ फोन पे मेरे से संपर्क करने का टाइम है सुबह 8 बजे से शाम को 9 बजे तक अच्छा उससे पहले 8 से पहले नहीं पहले और 9 के बाद कोई फोन नहीं कोई मैसेज नहीं जी, ये जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक मेरी रिक्वेस्ट है किसी तो सलाह दो तो घर बोले रतन एक सलाह दू भाई सलाह दे इसका तनखा देने तेरा सलाह दे तो बसान की दियो क्योंकि ये जो ज्योतिष है इसका भी दुरुपयोग हो रहा है देखो इसके भी मिस यूज हो रहे हैं क्योंकि देखो तंत्र को तो मैं मानता हूँ मैं तंत्र विद्या को तो विद्या का दुरुपयोग बिल्कुल विद्या का दुरुपयोग और ज्योतिष है इसका सदुपयोग सदुपयोग हो तो ठीक है लेकिन दुरुपयोग हो जाने फिर नुकसान है इसका देखो ऐसे हम भगवान से हाथ जोड़ते हैं अपने दो बच्चे हैं किसी को गलत सलाह दे के आप क्या करेंगे भगवान को आखिर जान देनी है किसी का अगर हमारे को घर बसाने का उसको खुशी देने का हक नहीं है तो उसको उजाड़ने का भी हमारा हक नहीं है कोई भाई बोल गुरु जी मेरी अपील याद है जी जितने भी जने देखने लग रहे अपना जो मोहित भाई है रिश्ते की बात चल रही भाई सबको रिश्ता करा दियो और इतनी गारंटी नहीं लेंदे भाई जो तारा ये बिरड़ लड़वा दे अंगूठी दे देगा इतनी गारंटी को लेंदे बड़ा छोरा एक नंबर का और सारी बात छोड़ तू पैराशूट तो उतरे है जांच में ऊपर तो आया आप तो पहले ड्यूटी लाती थी मैंने इसकी आप तो बाद में उस तो पहले तो मैं लिया हो रहा है खुदा पहले इनका पैरा दिया एक संदेश है आप देखो एक है लॉजिक एक है मैजिक मैजिक पर मेरा कोई विश्वास नहीं तंत्र विद्या पर कोई विश्वास नहीं लेकिन जो अंक ज्योतिष है और ज्योतिष विज्ञान है ज्ञान है उसका सदुपयोग है तो ठीक है जब उस ज्ञान का दुरुपयोग हो जाए तो वो मैजिक में तब्दील हो जाए फिर वो तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या में तब्दील हो जाए फिर आवे हुए लोग खान बंगाली बाबा बंगाली जी से जो नु कहें घटा हुआ धन पाए सौतन से छुटकारा दो मिनट में कतल मन चाह प्यार बच लो उजाड़ दिया करके कर इन बच लो इनते कितनी खबरदार ने वैसे देख ली तांत्रिक ने फाने को मारा दिगड़े को मारा छोटे बच्चे की जान ले ली बड़े बच्चे की जान ले ली बिल्कुल और कितने अबतपुर देखो जींद में खोखरी कांड होया और बुराड़ी कांड होया ये तांत्रिका ने उजाड़ दिया करके कर शास्त्री जी कह रहे थे जो कर तो फिलहाल ये मशीन है वो इस मशीन का नाम है ओरा स्कैनर इस पे हमने एक लाइव पड़ताल करी है ये होम्योपैथी की डब्बी में सोच रहा था ये दोष है ये क्या जी ये घर का वास्तु चेक करने के लिए होता है जैसे किसी भी घर का वास्तु चेक करते हैं तो वो डिग्री के हिसाब से चेक होता है तो ये पेज पे नक्शा बनाकर ये रखा जाता है इसको सुदर्शन चक्कर बोलते हैं इसके अंदर हाँ इसके अंदर 32 दिशाएं होती है जी जी। और कहाँ टॉयलेट बना है कहाँ बाथरूम बना है वो सब चीजें इसके अंदर शास्त्री जी दो तरह के केस है एक तो जिसने मकान बना लिया एक जिन्हें बनाना है तो दोनों के समाधान हाँ दोनों के जिसने मकान बना लिया है वो तो तोड़ फोड़ ना करके उसके उपाय हम बताते हैं कई बार मन देखते निरावण दोस्त का नाम पर सारा मकान का नक्शा हाँ, बदलवा दे वो कई है करवा देते हैं होता हाँ, भी है लेकिन इसका आजकल निवारण भी है कोई यंत्र भी लगते हैं जैसे कोई अब रही दूसरी बात कर्मो भाई इस मशीन से जैसे अपने घर के अंदर सुती धरती और जागृत धरती का भी पता लगता है कई बार हम ऐसी भूमि पे मकान बना लेते हैं जहां हमारे बरकत नहीं होती काम नहीं चलता घर पे किसी को शुगर की दिक्कत हो जाती है किसी के पैर में दिक्कत हो जाती है पेट दर्द वो सुती धरती की वजह से होता अच्छा, है अच्छा, अच्छा। तो उसका भी हम इससे पता करके निवारण करते हैं उसके लिए तांबे की तार डालते हैं या और कोई चीजें करते हैं उससे उसका भी निवारण होता है चलो एक विद्या एक जब जब टाइम था एक भाई जी भी वो स्वर्णिम भारत होया करता और उस टाइम पे एक योग विद्या होया करती एक विज्ञान होया करता उस विज्ञान को धीरे धीरे जैसे आप मुगलों के और अंग्रेजों के गुलाम हुए महाभारत का युद्ध होया उसके बाद वो विद्याएं थी वो खंडित होगी फिर उसके दुरुपयोग हो गए लेकिन मैं शास्त्री जी एक बात जरूर कहूंगा आप इस विद्या का सदुपयोग करियो कई बार क्या होता है दुरुपयोग की तरफ बढ़ जाते हैं लेकिन शास्त्री जी ने कहा भाई हम पीछे ही लेंदे और समाधान ये बताऊंगे और उन समाधान का तारा लाभ मिले तो वो बात है बोला भाई एक बार आप एक आपका विजिटिंग कार्ड भी है कोई विजिटिंग कार्ड है लेकिन अच्छा एक बार नंबर लिख दो इस पर आप वो स्क्रीनशॉट मार लेंगे जिन आपसे बात करेंगे सुबेरा 8 तक पहले भाई कोई फोन नहीं होना चाहिए सांझ ने 9 के बाद नहीं फोन होना चाहिए संदीप शास्त्री जी हैं फतेहाबाद बैठे हैं मंदिर कौन सा जी हूँ बिश्नोई मंदिर सिरसा रोड फतेहाबाद बिश्नोई मंदिर सिरसा रोड फतेहाबाद 97997 है ये 7 से ही बनाओ 7 नीचे तो लो भाई स्क्रीन शॉट मार लो ठीक है हमने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए
तो फिलहाल इन तस्वीर आप छोड़ कर जावा हाँ, और यह मशीन है वो, इस मशीन पर छोड़ जाए भाई इन तस्वीर पर आपने जिसने मतलब हाँ वो कहा निकला बोला मतलब आप स्वतंत्र हो, धक्का सा ही नहीं है या आप इस शास्त्री जी एक चीज और बताऊं, जो समाधान आप बताओगे उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं? कोई जबरदस्ती नहीं, किसी का दिल करे तो वो करे, नहीं करे, यहाँ चेक कराने की कोई फीस नहीं है, ना कभी पीछे ली ना आगे लेते, ये फ्री सेवा है। किसी के घर में खुशी आए उससे हमारे को शांति मिलती है, और भगवान से दुआ करते हैं सबका घर बसा रहे, सबके घर पे शांति हो, यही हम कामना करते हैं। चलो जी, मेरा लगे हमारे बाप बेनाम शांति आएगी, शांति। चलो फिलहाल तो क्रांति है सामने, चलो कर दो शेर भाई, इस पे रोक दे मशीन गन करके, नू ए ना ना इस पोजिशन, हाँ बस।